बैंक मोड़ के मुथूत एनकाउंटर के बाद धनबाद पुलिस का अपराधियों पर जो दबाव बना था वो अब पूरी तरह से खत्म हो गया है। नतीजा है कि अपराधी बेलगाम हो गए हैं, सैकड़ों आंखों के सामने पहुंचकर फायरिंग झोंक दे रहे हैं और बेधड़क निकल भी जा रहे हैं। ऐसी घटनाएं लगातार हो रही हैं। इसका सीधा असर यहां धंधा व्यवसाय से लेकर कारोबार करने वाले लोगों पर साफ दिख रहा है। शुक्रवार को करकेंद्र के पेट्रोल पंप आउटसोर्सिंग कंपनी के लाइजिंग ऑफिसर पर रंगदारी के लिए हथियार तान दिया गया। वो किसी पंप में घुसकर अपनी जान बचाई। इसकी लिखित शिकायत पुतकी थाना में हुई। इसके बाद रविवार की शाम नया बाजार में जांच घर पर फायरिंग कर दी गई। अपराधियों ने 3 गोलियां चलाई। ये घटना शाम को 6:30 बजे के आसपास हुई। उस समय सड़क के अगल बगल सैकड़ों लोग मौजूद थे, बावजूद अपराधियों ने घटना को अंजाम दे दिया। घटना के बाद अपराधी बैंक मोड़ की तरफ भाग निकले। वो मोटरबाइक से पहुंचे थे। फायरिंग के बाद पर्चा भी छोड़ा है। पर्ची में लिखा हुआ है कि हम छोटे सरकार के शूटर मेजर क्लिनिक लैब में गोली चलाने की घटना की जिम्मेवारी लेते हैं। आगे लिखा हुआ है कि जो बॉस की बात नहीं मानेगा उसको मौत के घाट उतार दिया जाएगा। वो अगर घर में छुपकर बैठोगे तो उसके परिवार वाले की खोपड़ी को खोल दिया जाएगा। ये पर्चा पुलिस ने बरामद कर लिया है। यहाँ ये बात गौर करने लायक है कि हाल के दिनों में घटित घटनाओं में धमकी देने का लहजा भी एक है, तरीका भी एक है। अपराधी बाइक से पहुंच रहे हैं और फायरिंग कर चलते बन रहे हैं। एक विराम के बाद फायरिंग की शुरुआत हुई बागमारा से और ये पूरे जिले में फैलती जा रही है। हाल के दिनों में बैंक मोड़ थाना क्षेत्र के मटकुरिया में पप्पू मंडल के घर पर फायरिंग की गई। उसके बाद शुक्रवार को लाइजिंग ऑफिसर के रंगदारी के लिए हथियार चमकाया गया। रविवार की शाम नया बाजार के क्लिनिक लैब में फायरिंग की गई। फायरिंग के मामले में वासेपुर के कुख्यात प्रिंस खान का नाम सामने आ रहा है, बावजूद वो पुलिस पकड़ से बाहर है। इधर नया बाजार के बबलू हत्याकांड में भी पुलिस की विफलता से लोगों का गुस्सा बढ़ा है। मंगलवार को नया बाजार के लोग कैंडल मार्च निकालेंगे, उसके बाद धरना भी देंगे। जिले में स्पेशल टीम बनाकर जब तक गिरोहों को तोड़ा नहीं जाएगा दहशत का माहौल बना रहेगा और पुलिस की किरकिरी होती रहेगी। धनबाद से ब्यूरो रिपोर्ट।